सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। तुम भी गाओ ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। जी हाँ बहनों और भाइयों, आ गए सन 1973 यानी 1973 के सारे गीत माला हिट गीत और लाजवाब छाओं के गीत। ओ सॉरी सॉरी, आधे गीत तो गीतमाला की छाओं की पिछले वॉल्यूम में आए थे और आज बाकी आ रहे हैं इस वॉल्यूम में। आज जिस सरगमी झलक से हम इस वॉल्यूम में दाखिल हुए थे ना, उसी की अनोखी बड़ी पुरासर फिल्म परिचय के एक और गीत से आज हम दिल थाम कर कदम रखेंगे उस साल की सुरीली छाओं में, या यूं कहिए कि उस साल की रसीली मगर बोझल बिरहा की रात में। बीती ना बिताई रैना बिरहा की जाई रैना, बीती ना बिताई रैना बिरहा की जाई रैना, भीगी हुई छोटी छोटी यादों के
इस गीत में जो मर्दाना आवाज थी ना, वो थी बड़े सुरीले बड़े बाकमाल गायक भूपेंद्र सिंह की, जिनके गीतों को फिल्मी दुनिया में उतने मौके नहीं मिले बहनों और भाइयों जितने कि वो हकदार थे। बहरहाल अगर उनकी इस रैना को रसीला बनाया था पंचम के सुरों ने, तो पंचम के पिता उस साल अपने जीवन की शाम में भी हमारी शामों में रस घोल रहे थे। संध्या जो मन उड़ जा, जाने रे कहा, करो क्या तिहत्तर की छाओं में छिपे हुए फिल्म फागुन के इस गीत के बाद बहनों और भाइयों अब शुरू होता है उस साल के बाकी हिट गीतों की झलकों का सिलसिला गीतमाला की सालाना पायदान नंबर 18 से। उस पर भी दादा बर्मन का जादू छाया हुआ था। फिल्म थी जुगनू। गिर गए झुमका, गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ने दो, काहे का डर है, काली उम्र है, अरे छोड़ो बहाना, ना ना, गिर गया झुमका। और वार्षिक पायदान नंबर 17 पर उस साल था लक्ष्मी प्यारे की धुन से सजा हुआ गीत, फिल्म का नाम गोरा और काला। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, सेज से कलिया चुना ले, चुना ले कोई चुना ले, हमको किसी का डर नहीं, कोई
साहब उस साल की पायदान नंबर 16 पर फिर महका था दादा बर्मन का मधुर संगीत। फिल्म थी जया भादुरी और अमिताभ बच्चन के पहले मिलन की शानदार फिल्म अभिमान। मगर गीत की झलक सुनने से पहले बहनों भाइयों सुनिए एक बड़ा ही अनोखा इंटरव्यू। वो इंटरव्यू अभिमान ही के दिनों मेरे घर के छोटे से स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें चले आए थे तीन बड़े सितारे अमिताभ, जया और गजब के गीतकार, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर गुलजार। और तीनों ने आकर अपने चहीते फिल्मसाज यानी अभिमान के लाजवाब डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में जो मजेदार बातें बताई थी ना, उनका बस एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके लिए ले आया हूं आज। इसकी रिकॉर्डिंग भी गीतमाला की छाओं में के मेरे रिकॉर्डिस्ट केवी जॉन ही ने की थी। और इसमें आप सुनेंगे कि अमित, जया और गुलजार ने अपने प्यारे मास्टर जी ऋषिदा की कैसी शरारती टांग खिंचाई की थी। क्या है ऋषिदा, जिस दिन डांटते नहीं है ना तो हम लोगों को लगता है सचमुच हमने कोई गलती की है, बुरा लगता है। अच्छा अच्छा, यानी उनकी डांट में भी प्यार है बहुत। और उनके साथ जब काम करते हैं तो लगता नहीं कि सटते हैं, ऐसे लगता है कि आंगन में बैठे हुए हैं और मूंगफली खा रहे हैं। मूंगफली नहीं गुलजार भाई, सर के बाल तोड़ रहे हैं। सर के बाल तोड़? अमीन साहब आपको ये नहीं मालूम? नहीं। एक और उनकी खास आदत है सर के बाल तोड़ना। अच्छा, कभी कुछ काम कर रहे होंगे, बड़े आराम से उनका हाथ जो है सर की तरफ बढ़ेगा, एक बाल चुनेंगे, उसको मसलेंगे, एक ही झटके में बाहर खींचेंगे, फिर उसे देखेंगे, सूंघेंगे और फेंक देंगे। लेकिन अमिताभ साहब, ऐसा भी कोई बाल था जिसे उन्होंने सूंघा और फिर फेंका नहीं? नहीं, इतनी देर तक तो मैं नहीं था वहाँ। लेकिन आजकल मैंने नोट किया है कि ये उनकी आदत जो है वो थोड़ी कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। अच्छा, वो क्यों? सर पे बाल ही नहीं रहे। वाह भाई, क्या टीम थी वो भी, कितना प्यार करते थे वो तीनों अपने मास्टर जी ऋषिदा से, और कितनी पुरअसर थी उनकी वो फिल्म। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। भाई अब तक तो खैर अमिताभ और जया का मिलन कई कई गुल खिला चुका है, दोनों नाना नानी भी बन गए हैं और दादा दादी भी। अच्छा खैर, अब 1973 के गीत नंबर 15 की झलक में आपसे कहा जा रहा है कि मोती को ढूंढ निकालने के लिए समंदर में डुबकी लगाओ, मगर कहा गया है हिंदी में नहीं तमिल में। भी मुझे करना पड़ा मुत कोड़े कवाड़ी हड़ा, मुत कोड़े कवाड़ी हड़ा, अयो रे प्यार में जो ना करना चाह वो भी मुझे करना पड़ा। अयो 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 मुत कोड़े कवाड़ी हड़ा। फिल्म दो फूल का ये गीत आशा जी के साथ खुद कॉमेडियन महमूद ने गाया था, और नंबर 14 पर भी एक बड़े अच्छे एक्टर का गाया हुआ गीत था। झलक सुनिए और एक्टर का नाम बताइए। मेरा नाम आओ मेरे पास आओ, हो तेरा नाम आओ तो मेरा नाम जाओ, समझा हो तेरा मेरा मिलन बड़ा मुश्किल है। मेरा नाम आओ मेरे पास आओ, हो तेरा नाम आओ तो मेरा नाम जाओ। खैर आओ तो उस फिल्म ये गुलिस्ता हमारा के एक नेपाल के आसपास के किरदार का नाम था, जिसे अदा किया था डैनी डेंजोंगपा ने, जो खुद भी नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले थे लेकिन फिर एक्टर बनकर मुंबई में आकर बस गए। डैनी ने खुद मुझे बताया था कि उस गीत को गाने से पहले उन्हें किस तरह
पहले डायरेक्टर आत्माराम को और फिर संगीतकार एसडी बर्मन को अपने सुरीलेपन का सबूत देने के लिए एक नेपाली लोकगीत गाकर सुनाना पड़ा। तो भाई उसी गीत के एक झलक मैं यहां सुनाता हूं आपको। मुझे तो डैनी का सुरीलापन बहुत ही पसंद आया था साहब, और हमारे नेपाली भाई बहन तो जरूर ये झलक सुनकर झूम उठेंगे। के राम्रो जो बहना हेरी राहू भन्छनी आँखाले, आँखै महा बिलाउने को हो तिम्रो रूप बनाउने। कहिए आया ना मजा डैनी की सुरीली आवाज सुनकर। तो भाई अब लौट आइए उस साल की सुरीली छाओ में। तीन बड़े प्यारे गीत मैं वहां से ढूंढ लाया हूँ जिन्हें लोकप्रियता की धूप नसीब नहीं हुई, यानी जो सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए। एक तो वही पद्मा खन्ना की फिल्म का गीत था, रविंद्र जैन की धुन में ढला हुआ। फिल्म सौदागर का वो गीत सुनकर पद्मा जी के नहाने और फिर तन को सुखाकर कपड़े बदलकर तन को सजाने का मंजर नजरों के सामने आ जाता है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझे लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं, के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए।
सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे। और साहब एक जरा कम सुनी हुई मगर बड़ी पुरसर धुन मुझे संगीतकार चित्रगुप्त की भी मिल गई है उस साल की छाव में। फिल्म थी इंतजार, बोल वर्मा मलिक के थे और गायक थे भाई वो तो आप पहचान ही लेंगे। चंदा की किरणों से लिपटी हवाएं, सितारों की महफिल जवा, आके मिल जा ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ, आके मिल जा। चंदा की किरणों से लिपटी हवाएं, सितारों की महफिल जवा, आके मिल जा ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ, आके मिल जा। नजारों के रंगों में शबनम मिला के, तेरी मांग भर दूं सुहागन बना के। नजारों के रंगों में शबनम मिला के, तेरी मांग भर दूं सुहागन बना के। बेचैन मैं हूँ बेताब तू है, बहारे भी है मेहरबान, आके मिल जा ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ, आके मिल जा। तेरे नैन कहते हैं तेरी कहानी, कि छुपते नहीं चढ़ के चांद और जवानी। तेरे नैन कहते हैं तेरी कहानी, कि छुपते नहीं चढ़ के चांद और जवानी। कदम डगमगाना बदन का चुराना, मोहब्बत के है ये निशान, आके मिल जा ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ, आके मिल जा। और बहनों और भाइयों अब गीतमाला की छाव को सजाने वाला है उल्फत का एक बड़ा ही अमर नगमा। सीधे दिल की राहों से उभरा था वो गीत और सारेगम के एक एल्बम में इस गीत से पहले खुद संगीतकार मदन मोहन की आवाज भी है, ये बताते हुए कि एक फनकार एक कलाकार के लिए क्या है सबसे जरूरी। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ फनकार को ज्यादा ही जज्बाती बनाया है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरती से गाया गया है, सुन के कुछ एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। दर्द भरा गाना है लेकिन दर्द भी तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, इससे इंसान कब तक दूर भाग सकता है। रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को
दीवार गिराए भाई, उल्फत की राहों को निभाने का तरीका तो अपनी अपनी उल्फत के राही ढूंढ ही निकालेंगे, हमें तो यहाँ गीतमाला की रस्में निभानी हैं। तो वो देखिए सामने तैयार खड़ी है 1973 की गीतमाला संगीत जोड़ी की 13वीं पायदान के गीत की झलक, दिलदार से एक प्यार भरी इल्तिजा लिए। फिल्म थी मेरे जीवन साथी। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। और उस साल हिट परेड के गीत नंबर 12 में राजा जानी धर्मेंद्र ने जब जरूरत से ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की कोशिश की थी ना, तो उनकी हेमा ने उन्हें कैसे टोका था। अच्छा साहब, उस साल पायदान नंबर 11 पर जो गीत था उसकी फिल्म के नौजवान डायरेक्टर उन दिनों फिल्मी दुनिया के इतिहास का एक सबसे जोरदार तहलका मचाने की भी तैयारी कर रहे थे। ये थे डायरेक्टर रमेश सिप्पी, जिनकी फिल्म शोले ने 1975 में जबरदस्त धूम मचा दी थी, मगर 1973 की ये फिल्म सीता और गीता भी बड़ी हंगामेदार थी साहब, हम सबको मनोरंजन के आसमान में उड़ा कर ले गई। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, साथी चल। आरती बर्मन ही की एक और धुन पायदान नंबर 10 पर भी थी, फिल्म का नाम राजा रानी, मगर गाना चोर का। शहरों की गलियों में जब चोर, 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 चोर,
भाई आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी तो थे 1973 में आगे आगे, मगर दादा एस डी बर्मन भी किसी से दबने वाले थोड़े ही थे। सालाना संगीत सीढ़ी की पायदान नंबर 9 पर भी उन्हीं का राज था। धीरे से जाना बगियन मेरे भमरा, धीरे से जाना बगियन में। नहीं, वो तो बर्मन दादा का बड़ा ही पुराना ओरिजिनल हिंदी गीत था साहब, मगर डायरेक्टर विजय आनंद ने उनसे रिक्वेस्ट करके देवानंद की दिलचस्प फिल्म छुपा रुस्तम के लिए उसी धीरे से आना वाले गीत का पैरोडी रूप तैयार करवा दिया था। धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में, सोई है राजकुमारी देख रही मीठे सपने, जा जा छुप जा, जा जा छुप जा तकियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। बहनों और भाइयों, अगर ये रेडियो का कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता ना तो यहाँ जरूर बचता खटमलों को मारने वाली दवाई का कमर्शियल, मगर ये हम तो हैं गीत वाला की छाव में, यहाँ तो बस हिट गीतों की झलकें हैं और छाव में छुपे रसीले गीत हैं पूरे के पूरे। चलिए यहाँ छाव का सेक्शन मैं फिर शुरू करता हूँ एक उलझन से। जी हाँ, उलझन, मगर रवि की बड़ी मधुर धुन और साहिर लुधियानवी के बड़े गहरे शब्दों से सवरी हुई उलझन। फिल्म वही जिसका एक गीत उसी साल नंबर 22 पर भी बजा था, यानी धुंध। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं बहुत की तदबीरें
न टूटी जंजीरे, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां। उलझने तो बहनों भाइयों मेरे जीवन को भी उन दिनों हर तरफ से जकड़ने लगी थी। रेडियो प्रोग्राम गीतमाला की धूमधाम और भाग दौड़ तो खैर बढ़ती ही जा रही थी और साथ में मेरे और भी कई बड़े बड़े और मुश्किल रेडियो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स शुरू हो गए थे जिनमें बड़ी बड़ी फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी के प्रोग्राम भी शामिल थे और हिंदुस्तान भर के कई शहरों में मुझे अक्सर उन दिनों जाना पड़ता था म्यूजिकल शोज या फैशन शोज या ब्यूटी कॉन्टेस्ट की कॉम्पेयरिंग के लिए। और मेरे बेटे राजिल को हमने अजमेर के मशहूर बोर्डिंग स्कूल मेयो कॉलेज में भेज दिया था, सो उसकी याद और उसकी फिक्र भी हमेशा लगी रहती थी। और मेरी बीवी रमा को कई बीमारियां परेशान कर रही थीं और उसके लिए डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के चक्कर भी शुरू हो गए थे, मगर हाँ शुक्र है रमा थी बड़ी बहादुर। तकलीफें सहते हुए भी वो न सिर्फ मेरे जीवन में बल्कि मेरे दफ्तर के कामों में भी मेरी पार्टनर बनी रही और उसी के सहारे मेरी उलझनों को थोड़ी सी राहत मिल जाती और हम दोनों की जिंदगी गोया बर्मन दादा की एक और अमर छांव की धुन में डूब कर संभल जाती। तेरी बिंदिया रे हाय हाय, तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे आए हाय, तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे आए हाय, तेरी बिंदिया रे। लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे है यूं जब से मेरी बन के तू
ठुमक ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस खनके तू आई है सजनिया तेरा कंगना रे सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना रे आए हाय तेरा अंगना रे। बहनों और भाइयों, फिल्म अभिमान की लोकप्रियता 1973 और 74 में बढ़ गई थी। दोनों साल की एनुअल संगीत सीढ़ियों पर बजे उसके गाने, मगर उसके दो लाजवाब गीत साल की टॉप लोकप्रियता में शामिल हुए ही नहीं थे। तभी तो उनमें से एक गीत पिया बिन बासिया हमने पिछले वॉल्यूम की छाव में शामिल किया था और दूसरा ये तेरी बिंदिया रे इस वॉल्यूम में पूरा पूरा बजा। और अब गीतमाला की छाव में गूंजेगा 1973 का एक ऐसा गीत जिसमें दो बड़ी खास बातें थी। एक तो ये कि उस फिल्म एक नारी दो रूप के बड़े गुणी संगीतकार थे गणेश, जिनकी काबिलियत का उजाला बहुत कम फिल्मों में ढल पाया। और इसकी दूसरी दिल को छू लेने वाली बात ये थी कि इस गीत में असद भोपाली के शब्दों के सहारे फिल्म संगीत के अजीम गायक मोहम्मद रफी ने अपने इंतकाल से 7 साल पहले ही पेशीन गोई यानी कि भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके चले जाने के बाद संगीत प्रेमियों के दिलों पर क्या बीतेगी। दिल का सोना साज तराना दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा सूरज साथ रहेगा जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे मंजिल होगी बाहों में प्यार धड़कते दिल का
ठिकाना ढूंढेगा दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा। और अब जमाना सुनेगा एक के बाद एक उस साल की छह काफी ऊपर वाली पायदानों के हिट गीतों की झलकें, जिनके बाद आएंगे दो यादगार छाओं के गीत, दो लोकप्रियता की चोटी के गीत और दो बहुत ही बड़े शानदार फिल्म स्टारों की आवाजें। जी हां जी हां, इंतजार कीजिए। तो ये आई साहब झलक 1973 के गीत नंबर 8 की फिल्म दो चोर। और नंबर 7 पर धूम मची थी फिल्म दाग के बेबाक विंध्यास ऐलान मोहब्बत की। अब चाहे मारो ठेया बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली, अब चाहे मारो ठेया बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली, ओ मैंने तुझसे नियत भर ली, मैंने हंसकर हामी भर ली, यारी छूटे ना छूटे ना हाँ कर ली तो कर ली, अब चाहे मारो ठेया बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। फिल्म दाग में राजेश खन्ना ने साहिर लुधियानवी के सिर्फ गीत ही नहीं गाए थे बल्कि उनकी एक नज़्म भी पढ़ी थी, याद है ना आपको? तो भाई उसका भी एक हिस्सा सुन लें। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। वाह साहब, क्या विनम्रता, क्या इनकसारी दिखाई थी उस सुपरस्टार ने इस कविता के जरिए। अच्छा खैर, अब बहनों भाइयों बढ़ाइए एक कदम और उस साल की सालाना संगीत सीढ़ी पर। नंबर 6 पर था अनुराग फिल्म का गीत। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है, जैसी होती है वो क्या है? एक मंदिर है। और नंबर 5 पर था वो समझौता जिसे करने की आदत हर गम के मारे को डालनी चाहिए, फिल्म का नाम भी समझौता। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में हम भी मिलते हैं, ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, ये मधुबन फिर भी खिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। और उससे ऊपर 1973 की पायदान नंबर 4 पर था दुख भरा मशहूर गीत फिल्म अनामिका का। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी
मेरी भीगी भीगी सी। और उस साल के टॉप हिट गीत नंबर 3 में अशोक कुमार और प्राण क्या बने थे फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में। तो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिर से मारे मारे। मैं हूँ राजा ये हैराना, ओ मैं दीवाना ये मस्ताना, दोनों मिलके गाए गाना ओ हसीना, ओ जरा रुक जाना। अरे भाई क्यों रुकती हसीना, इन दो सीनियर ताला चाबी वालों के लिए। चलिए हम भी नहीं रुकते बल्कि मुड़ के बढ़ते हैं एक बड़े मजेदार लाचार छांव के गीत की तरफ। शंकर जयकिशन के नाम से संगीत बना मगर 1973 तक जयकिशन तो थे नहीं इस दुनिया में, लिहाजा शंकर साहब ही ने बनाई होगी धुन। शैलेंद्र भी तो जा चुके थे मगर हसरत जयपुरी थे और उन्हीं का गीत था ये। मजेदार और लाचार होने के साथ साथ ये गीत एक तरह से अमर गीत भी है बहनों और भाइयों, क्योंकि ये हमेशा हमेशा याद रहेगा हर उस पति को जो बेचारा परेशान है अपनी बीवी से। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है हमेशा मुझसे लड़ती है। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है हमेशा मुझसे लड़ती है। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जो दिल हो प्यार करने का तो सौ नखरे दिखाती है, गले लिपटा नगर चाहूं तो सुसुरी टाल जाती है। न मेरी बात सुनती है न मेरे पास आती है। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है हमेशा मुझसे लड़ती है। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मिजाज उसका बड़ा कड़वा, मेरे घर में कयामत है। मैं बंदा सीधा सादा हूँ, मेरे सर पर मुसीबत है। गो मालिक हूँ मैं इस घर का मगर मेरी ये हालत है। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है हमेशा मुझसे लड़ती है। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। याद है ना आपको, फिल्म थी आज की ताजा खबर। और अब इस वॉल्यूम की खास खबर सुनने के लिए बहनों और भाइयों हो जाइए तैयार। अब गुजरे हुए जमाने से उभर कर आपके पास आने वाला है हिंदुस्तानी फिल्मों के सबसे मशहूर शोमैन राज कपूर साहब का इंटरव्यू अपने बेटे ऋषि कपूर के बारे में। राज साहब की फिल्म बॉबी सुपरहिट हो गई तो हमारे प्यारे भाई कॉमेडियन महमूद ने राज कपूर को घेरा और बहुत सीरियस होकर उनसे पूछा, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो के बॉबी बनाने का इरादा आपने कब किया और क्यों किया? और राज साहब ने जवाब दिया, कब इरादा हुआ बॉबी का, जोकर में जब चिंटू पहला चैप्टर में काम कर रहा था तब वो 16 बरस का था जी, और 16 बरस का मोड़ मुड़ने का एक उसमें सीन था जहां मनोज सिम्मी से कहता है कि ये जो उम्र होती है ना एडोलेसेंट एज, ये एक आदमी की जिंदगी में सबसे नाजुक मोड़ और सबसे खतरनाक मोड़ है।
यहां पर ना तो वो बच्चा है और ना ही वो जवान है, वो एक ऐसे प्यार की बेल है जो किसी ने भी उसे थोड़ा सा सहराया, थोड़ा सा प्यार दिया, वो उसी के साथ लिपट जाती है। वहीं से ये बीज पड़ा था कि यही लड़का जब 18 बरस का होगा तो पहला फूल जैसे खिलता है या भोर का पहला सूरज उगता है, उस तरह से इसकी जिंदगी में प्यार आएगा। तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अरे भाई, यही तो था राज कपूर की फिल्म बॉबी का गीत, जो उस साल लक्ष्मी प्यारे की धुन, आनंद बख्शी के बोलू और लता जी और नए गायक शैलेंद्र सिंह की आवाजों के सहारे जवां मोहब्बत के झंडे गाड़ते हुए गूंजा था गीतमाला की चोटी की पायदान नंबर 2 पर। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों की भूल भुलैया में चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आहा बहनों और भाइयों, कितनी सुहानी यादें हमारे लिए छोड़ गया है 1973 का फिल्म संगीत, और उस संगीत के, उन फिल्मों के जो जो सुतून, जो जो सितारे हमें छोड़ गए, उन्हीं सब की आत्माएं अब आज के आखिरी छाव के गीत में घुलकर हमें दिलासा देंगी। खास तौर पर इस गीत से जुड़े बाद में हमें छोड़कर चले जाने वाले वो लोग थे मदन मोहन, कैफी आजमी, चेतन आनंद, राजकुमार और प्रिया राजवंश। Thank you.
फिल्म हिंदुस्तान की कसम के इस अमर गीत के बाद अब इस वॉल्यूम में सिर्फ एक आखिरी गीत की झलक रह जाती है बाकी, और वो गीत है 1973 का टॉप हिट गीत नंबर 1। इसे स्क्रीन पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा की सुपरहिट फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन के साथ एक शानदार पठान के रोल में अदा किया था लाजवाब कैरेक्टर एक्टर प्राण ने, और आज प्राण साहब ही की आवाज में आप सुनेंगे इस टॉप हिट गीत से पहले की कहानी। जिस दिन शूटिंग थी उस दिन एक रात पहले कोई 10:30 बजे प्रकाश जी का मुझे टेलीफोन आया कि प्राण साहब हमने फैसला किया है कि कल मुहूर्त के बाद 2 बजे से आप पर ये गाना डांस के साथ पिक्चराइज किया जाएगा। तो मैंने उनसे साफ कह दिया कि देखिए प्रकाश साहब, ना तो मुझे गाने की वर्डिंग मालूम है, ना गाने की ट्यून मालूम है, ना मैंने कोई डांस की रिहर्सल की है, तो कल मैं ये गाना नहीं कर सकता। तो प्रकाश साहब एकदम चुप। मैंने कहा क्या हुआ? कल नहीं, कल आप मुहूर्त पर आ जाइए फिर बात करते हैं। खैर जी, नेक्स्ट डे हम पहुंच गए, मुहूर्त हुआ, उसके बाद प्रकाश जी मुझे लेकर मेकअप रूम में चले गए। कहने के प्राण साहब बात यह है कि अगर ये गाना और ये डांस मैं पिक्चराइज नहीं करता हूँ और ये मेरी पहली पिक्चर है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो मैं प्रोड्यूसर नहीं बन सकूँगा। तो मैं खामोश रहा। कहने लगे मैं वायदा करता हूँ कि ये गाना मैं इमीडिएटली प्रिंट करके एडिट करके आपको दिखाऊंगा, अगर आपने हाँ कर दी पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो मैं रिहर्सल करा के आपसे फिर ये गाना इसको मैं पिक्चराइज करूँगा और तब तक मैं आपकी दूसरी शूटिंग नहीं करूँगा। तो मैं मान गया, पिक्चराइजेशन हुई डांस की, उन्होंने प्रिंट करवाया, एडिट किया। तो उसके बाद मुझे टेलीफोन आने शुरू हो गए, कभी किसी आदमी का आ जाए, कभी किसी का आ जाए कि प्राण साहब क्या कमाल का आपने डांस किया है, कितना अच्छा वो सॉन्ग पिक्चराइज हुआ है, ये तो पिक्चर जो है ये धूम मचा देगी और गाना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं अचंभे में पड़ गया। फिर प्रकाश जी का मुझे टेलीफोन आया कि प्राण साहब वो गाना तैयार है, आप आके देख लीजिए। मैंने कहा देख लिया। अरे, कहने लगे आपने कब देखा? मैंने कहा भाई मुझे इतने टेलीफोन आए हैं, इतनी तारीफ की है लोगों ने कि अब मैं खुद आकर नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने कहां कहां गलतियां की और मैं वो गलतियां देखता रहूंगा, गाना नहीं देखूंगा। अगर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग है बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हमने वाला हम सफर हम राज हो, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। 1973 के उस टॉप हिट गीत नंबर 1 के लिए आज इतने वर्षों बाद अमीन सायानी खास तौर पर फिर एक बार मुबारकबाद देता है कल्याण जी आनंद जी, गुलशन बावरा और मन्ना डे को। बस अब आखिर में जंजीर के इस चोटी के गीत का बाकी मुखड़ा बजेगा और उसी पर खत्म हो जाएगा गीतमाला की छाओ में का ये वॉल्यूम, और आप और मैं करेंगे 1974 की सुरीली धूप छाओ में कदम रखने की तैयारी।
तो शुक्रिया गीतमाला की छांव में की हसीन प्रेमिकाओं और सदा नौजवान यारों। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। बहनों और भाइयों, आज आपका रेडियो साथी अमीन सायानी गीतमाला की छांव में के इस वॉल्यूम के जरिए आपके साथ दाखिल हो रहा है फिल्म संगीत के साल 1974 में। लेकिन साहब क्या करूं, इससे पहले वाले साल 1973 के गीत मेरे दिल को अब तक जकड़े हुए हैं। तो मैं शुरू उसी वर्ष के एक अमर छांव के गीत की झलक से करूंगा, वो गीत जो मैं पिछले वॉल्यूम में नहीं बजा पाया। फिल्म हंसते जख्म का गीत जो जमाना हमेशा गुनगुनाता रहेगा, नाजुक सुरों और गहरी सोच के शहंशाह मदन मोहन के लिए। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां और बहनों भाइयों, आप भी तो मुझे मिल गए हैं, तो आइए ना बैठ जाइए। देखिए कितने प्यार से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 1974 के हिट गीत नंबर 32 की तरह धौंस जमा कर नहीं, बैठ जा, बैठ जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, घूम जा, मोहन कुमार की फिल्म अमीर गरीब का था ये गीत और उस साल की सालाना संगीत श्रेणी की 31वीं पायदान पर 1974 की एक बड़ी ही यादगार फिल्म का नगमा था। फिल्म का नाम चलिए आप ही बताइए। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे दिल के द्वारे ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संधमारे। बहन और भाइयों, यादों के इस बारात में मुझे हमेशा जो सबसे रोशन चेहरा नजर आता है ना, वो है जबरदस्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर गजब के नफीस और शरीफ इंसान और मेरे बड़े प्यारे दोस्त नासिर हुसैन का चेहरा। और अब मैं आपको सुनाता हूं उस इंटरव्यू का एक हिस्सा जिसमें नासिर हुसैन साहब ने यादों की बारात के हीरो धर्मेंद्र के बारे में मुझे कुछ दिलचस्प बातें बताई थी, सुनिए। जब यादों की बारात की कहानी मैंने सलीम और जावेद से सुनी जी, ये कहानी तीन भाइयों की दास्तान है, तो जनाब सबसे बड़े भाई के लिए
धर्मेंद्र के अलावा कोई सूझा ही नहीं। वैसे धर्मेंद्र के बारे में काफी उल्टे सीधे बयान सुन रखे थे। अच्छा अच्छा, तो नजर आइए सीधे बयान जाने दीजिए और जरा उल्टे बयान बताइए। जी यही कि वक्त पर नहीं आते, डेटें देकर कैंसिल हो जाती हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, तो वाकई ऐसी बात थी या आप भी थी, आपकी कुछ और थी? जो कुछ सुना था साहब बिल्कुल गलत पाया। अच्छा, मगर नासिर साहब आमतौर पर कामयाब हीरो कुछ मूडी कुछ शान दिखाने वाले से हो जाते हैं, तो ये सब धर्मेंद्र में जरूर होगा? बिल्कुल नहीं, धर्मेंद्र में इस कदर इनकिसारी है कि मैं बयान नहीं कर सकता, और बनावट तो नाम को भी नहीं। पूरी फिल्म में जो इज्जत उन्होंने मुझे दी है उसके लिए मैं उनसे जितनी भी मोहब्बत करूं कम है। बहुत खूब, सोचने जाइए तो अमीन साहब जिंदगी क्या है, यादों की बारात ही तो है। और भाई यादों की बारात ने उस साल न सिर्फ सिनेमा घरों में धूम मचाई बल्कि उसके गीत भी गीतमाला में खूब चले। खैर चलिए अब गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी को छोड़कर चलते हैं उन गीतों के करीब जो सालाना गीतमाला तक पहुंच ही नहीं पाए। वो देखिए 1974 की छांव से उभर रहा है वो लाजवाब गीत जो हमारी हर मुश्किल में हमारी हर कठिन राह पर हमें हिम्मत न हारने का सबक देता है। तो बहनों भाइयों उसे सर उठाकर सीना तान कर सुनिए। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिले साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही और हौसले का ये पैगाम फिल्म इम्तिहान का था। और दोस्तों ऐसे कई शानदार गीत और भी थे जो उस साल लोकप्रियता में उभर नहीं पाए। एक तो था फिल्म कॉल गर्ल का बेहद खूबसूरत अमर नगमा जो बिल्कुल ही छुप गया था गुमनामी की छाओ में।
नक्श लायलपुरी के तसव्वुर से जन्मा था वो गीत जिसे जज्बात के सुरों में पिरोया था सपन जगमोहन ने। उल्फत भी जमाने की हर रस्म को ठुकरा फिर साथ मेरे आओ। उल्फत भी जमाने की हर रस्म को ठुकरा जमाने की हर रस्म पटुरा।